हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अंजू आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। ये देखिए हमारे पेड़ पौधे बारिश के बाद कितने हरे भरे हो गए हैं, और कुछ पेड़ पौधे तो भारी होने की वजह से झुक भी गए हैं। तो ये देखिए कनेर है जो बहुत ही ज़्यादा झुक गया है बारिश के कारण और बहुत भारी हो गया है। तो आज हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इसकी कटिंग करके शेप दे रहे हैं। तो ये देखिए ये कितना नीचे झुका हुआ है। तो इसको हम एक्स्ट्रा टहनियाँ जो भी हैं उनको कट कर देंगे ताकि ये सही से खड़ा हो सके, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो इसके हम देखिए कटिंग कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा टहनियाँ हैं उन सबको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए ये कितनी अच्छी ग्रोथ हो चुकी थी इनकी बारिश के बाद, और ऐसा करने से पेड़ अच्छा चलता है। समय समय पे हमें इसकी कटिंग करते रहना चाहिए। और ये देखिए इसकी कटिंग में से ही मैं कुछ कलम निकाल रही हूँ, तो सोचा मैंने इसको ग्रो करके देखें। तो ये देखिए ये मैंने कनेर की कुछ मोटी मोटी टहनियाँ थी उनको कट कर लिए करवा लिया। ये देखिए ये कम से कम एक अंगूठे जितनी मोटी है, और ये सारी कटिंग है। और इसमें से मैंने ये कनेर की कलम निकाल ली है। तो इसको आज हम अपने गमले में ग्रो भी करके देखेंगे। तो इसकी कलम बरसात के टाइम पे बहुत अच्छी चल जाती है। तो ये देखिए इसी में से मैंने कुछ कलियां फ्लावर थे उनको मैंने कलेक्ट करके एक गुलदस्ता तैयार कर लिया है, और कुछ कटिंग ले ली है जिससे हम नए प्लांट बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारी कंपोस्ट और मिट्टी गमले में भरी हुई थी, तो इसी में हम इसको लगा रहे हैं। इसमें मैं ये सारी कटिंग्स एक एक करके लगा दूँगी। इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा रूटिंग जेल या कोई भी पाउडर लगाया नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने लगाई है। तो आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, रूटिंग जेल पाउडर आता है इसका, तो वो लगा के आप लगा सकते हैं। मैंने हल्का सा बस जहाँ से इसकी जड़ें आएंगी उनको छील दिया है। इसका लगाने का तरीका ये है कि इसकी जो ऊपर की ग्रोथ है वो ऊपर की तरफ ही रहनी चाहिए, कटिंग को बिल्कुल सीधा लगाएं इस तरीके से। और कटिंग थोड़ी मोटी रहती है तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो होती है, पतली कटिंग जो होती है वो कई बार ग्रो नहीं कर पाती। तो बारिश के समय पर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से भी लगाएंगे तो सारी कटिंग ग्रो हो जाती है। तो इस तरीके से आप लगा के देखें तो आपकी कटिंग भी लग सकती है। तो इसका जब एक हफ्ते बाद मैं इसका रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी। इनके ऊपर आप हल्दी भी लगा सकते हैं, दूध और हल्दी का लेप। मैंने पर कुछ भी नहीं लगाया है, तो आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं। कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।